हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप किस तरीके से स्कूटी को स्लो राइड कर सकते हैं। अक्सर न्यू राइडर स्कूटी को स्लो राइड नहीं कर सकते हैं, स्कूटी का जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। तो किस तरीके से आप स्लो राइड कर सकते हैं स्कूटी को, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्कूटी का जो एक्सीलेटर होता है, इसको ज़्यादा घुमाने से ज़्यादा स्पीड होती है, तो सभी को पता है। इसीलिए आप इसको ज़्यादा मत घुमाइए, जितना हो सके कम घुमाने की कोशिश करिए। अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए उस टाइम में आपका लेफ्ट साइड का या राइट साइड का दोनों में से किसी एक ब्रेक का यूज़ करके आप स्कूटी को स्लो कर सकते हैं। अगर आपका स्कूटी का हैंडल इस तरीके से लेफ्ट साइड राइट साइड की ओर इस तरीके से ज़्यादा घुमाते हैं, तो भी आप स्लो राइड ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं। स्लो राइड करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए स्लो राइड करते समय आपको ध्यान रखना होगा, आपका जो हैंडल है इस तरीके से सीधा रखने की कोशिश करना होगा। अगर आपका स्कूटी का बैक सीट में कोई बैठता है, तो भी आपको स्लो राइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो स्कूटी का हैंडल है इस तरीके से हिल सकता है स्लो राइड करने में। इसीलिए अगर आपका स्कूटी का पीछे कोई बैठता है, तो स्कूटी को उतना स्लो राइड मत कीजिए। टर्न लेते समय आपका स्कूटी का जो स्पीड है इसको कम करना होगा। उसके बाद अगर आपका टर्न लेते समय आपका स्कूटी का स्पीड ज़्यादा कम हो जाती है, तो आपका जो पैर है इसको नीचे रख के उसके बाद टर्न लेना होगा। इस तरीके से स्लो राइड करते समय आपका जो एक्सीलेटर है इसको ज़्यादा मत घुमाइए, थोड़ा घुमाइए। अगर इस तरीके से ज़्यादा घूम जाता है और ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तो आप लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में से किसी एक ब्रेक का यूज़ करके इस तरीके से स्कूटी को स्लो कर सकते हैं। अगर स्लो राइड करते समय आपका जो स्कूटी का हैंडल है इसको अगर इस तरीके से अगर ज़्यादा लेफ्ट साइड या राइट साइड की ओर घुमाते हैं, तो भी आपको स्लो राइड करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आपका स्कूटी के हैंडल को ज़्यादा लेफ्ट साइड या राइट साइड की ओर मत घुमाइए, जितना हो सके इसको सीधा रखने की कोशिश करिए हैंडल को इस तरीके से, तो आपको स्लो राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका स्कूटी का बैक सीट में कोई बैठता है, तो आप उतना स्लो राइड नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आपका जो स्कूटी का हैंडल है इस तरीके से हिल सकता है। इसीलिए उस टाइम में आप उतना स्लो राइड मत करिए और उतना स्पीड में भी मत राइड करिए। टर्न लेते समय स्पीड को तो कम करना ही होगा। अगर ज़्यादा स्पीड कम हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपका जो पैर है इस तरीके से नीचे रख के उसके बाद टर्न लेना है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।